अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, एज यू ऑल नो, वी हैव डिस्कस्ड पैरेन्काइमा, एक्चुअली सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ द सेकंड वन इज दैट इज कोलनकाइमा। कोलनकाइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा मैंने पहले ही बताया था, अब यह है कोलनकाइमा क्या होता है। व्हाट इज कोलनकाइमा? वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू, द टिश्यू विच इज कम्पोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्योंकि परमानेंट टिश्यू में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड देन सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहली बात जो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में कोलनकाइमा जो होता है, अगर आप देखोगे लोकेशन, अगर हम इसकी देखेंगे, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए प्लांट या आर्गन जो होता है, किसी भी प्लांट में आर्गन जो होता है या पार्ट होता है, उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे जो टिश्यू होता है, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज कोलनकाइमा। वो दैट मीन्स ये लाई करता है, इट ऑकर्स बिलो एपिडर्मिस। बट एक चीज आपको याद रखना है, एपिडर्मिस के नीचे होता है लेकिन किन में? डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में। इट ऑकर्स बिलो एपिडर्मिस और इन डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में ये होता है। कोलनकाइमेटस टिश्यू इज कन्फाइंड बिलो द एपिडर्मिस, बट रिमेंबर इट ऑलवेज, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स में ये नहीं होता है। कोलनकाइमेटस टिश्यू की वजह से जिस पार्ट में ये होता है, वहां पे अगर आप देखोगे वो पार्ट होता है फ्लेक्सिबल। वो दैट मीन्स कोलनकाइमेटस टिश्यू टू प्रोवाइड कर फ्लेक्सिबिलिटी, provide flexibility. Let us suppose, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा लीफ छे सनन, अगर इस पे जो लीफस करो वो रोल, मतलब वल होन वट होन, ये शुन ब्रेक गसन के या टियर छुन ये गसन के, तिकेज एमिस मोस्ट जो प्रेजेंट आसन कोलनकाइमा। गो कोलनकाइमा जो एक्चुअली फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये जो प्रोवाइड करन फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट पार्ट्स। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये जो कोलनकाइमा जो कोलनकाइमा जो आकर गसन एम ची सेल्स यम छ आसन, तिम छ आकर गसन इन होमोजेनस पैचेस, होमोजेनस नेचरस मस या दिस आकर गसन इन पैचेस। ये आपको दिमाग में रखना है, कोलनकाइमेटा सेल्स जो है, इसकी सेल्स जो है, या तो वो होमोजेनस होगी, होमोजेनस, और दे आकर इन पैचेस। बट रिमेंबर इट ऑलवेज, इसकी सेल्स जो होती है ये ओवल हो सकती है, ये राउंडेड हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है। द कोलनकाइमेटा सेल्स आर आइदर ओवल शेप्ड, दे आर राउंडेड, और दे आर पॉलीगोनल। बट द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ कोलनकाइमेटा सेल्स इज दैट, कि इनमें, इन सेल्स में जो कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है या डिपोजिशन होती है। इनके कॉर्नर्स जो होते हैं, कोलनकाइमेटा सेल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं, लेट अस सपोज इफ आई एम गोइंग टू मेक दिस सेल, ये एक सेल है, या यहाँ पे दूसरी कोलनकाइमेटा सेल है, अगर आप देखोगे इनके कॉर्नर्स जो होते हैं, इनके कॉर्नर्स पे थिकनिंग्स होती है। The cells are characterized by the presence of thickenings at their corners. ये दूसरी है, अगर आप देखोगे इस तरह से, this corner contains a thickening. कोलनकाइमेटा सेल्स के जो कॉर्नर्स है उन पे थिकनिंग्स होती है या डिपोजिशन होती है, किसकी? या तो वो सेलुलोज हो सकता है, या हेमिसेलुलोज हो सकता है, या पेक्टिन हो सकता है। कोलनकाइमेटा सेलन मज कॉर्नर्स आसन, तिम कॉर्नर्स हसा छी आसन, तिमन मज हसा छी डिपोजिशन आसन कमिच, या दिस आसन पेक्टिनच, नत छ आसन हेमिसेलुलोजच, नत छ आसन सेलुलोजच। गो इट इज सेल्स पोजेस थिकनिंग्स एट देयर कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, क्योंकि वहां पे डिपॉजिट होता है, ड्यू टू डिपॉजिशन ऑफ सेलुलोज हो सकता है, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। ये आपको दिमाग में रखना है। आई विल रिपीट इट अगेन, कोलनकाइमेटस टिश्यू इज यूजुअली कन्फाइंड टू दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इट इज इट लाइज बिलो द एपिडर्मिस। उसके बाद इसकी सेल्स जो होती है, या तो वो होमोजीनस नेचर में होंगी, या वो आकर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। तमें पत थो याद, अम्च सेल्स आसान ओवल, नसान राउंडेड, नसान पॉलीगोनल। मगर यहां सेलन मजम कॉर्नर्स आसान, तथे डिपोजिशन आसान, सो डिपोजिशन आसान सेलुलोज, हेमिसेलुलोज तो पेक्टिन। तमें पत अम्च सेल्स आसान टाइटली पैक्ड, इंटरसेलुलर स्पेसिस एबसेंट आसान। गो कोलनकाइमेटस टिश्यूस मज इंटरसेलुलर स्पेसिस एबसेंट, इंटरसेलुलर स्पेसिस एबसेंट, आर एबसेंट।
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये कोलन काइमेटस टिश्यू कत कत डाइकॉटन मज यंग स्टेमस या यंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तथ मज प्रेजेंट कोलन काइमा वो यंग स्टेमस में होता है यंग स्टेम या यू कैन से पीटियोल ऑफ द लीफ इज पीटियोल ऑफ लीफ द स्टॉक ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड पीटियोल एंड द लीफ इज कॉल्ड पीटियोलेट जिसमें वो पीटियोल एब्सेंट होता है उसको सेसाइल कहते हैं। इस पीटियोल में लेट अस सपोज ये एक लीफ है अगर तुम वो स्ट्रक्चरली इस लीफस में त्रे पार्ट्स आसान लीफ बेस तथा वन हाइपोपोडियम ब्या गो पीटियोल अत वन मेसोपोडियम ब्या गो लैमिना अत वन एपिपोडियम एपिपोडियम वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ लीव थ्री पार्ट्स ऑफ लीव्स ये होता है लीफ बेस जिसको आप हाइपोपोडियम कहते हो। ये जो पीटियोल है इस पीटियोल में अगर आप देखोगे फ्लेक्सिबिलिटी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलन काइमा वो कोलन काइमेटस टिश्यू हसा सो टिश्यू यूस लाई कर बिलो एपिडर्मिस यह हसा डाइकॉटन मज आसान मगर एम टिश्यू सिट हसा पार्ट ऑफ द प्लांट गसन फ्लेक्सिबल तब पत याद थाउन एम चे सेल्स छ आसान ओवल राउंडेड या छ आसान पॉलीगोनल एंड तिहजन तिमन सेलन हंदन कॉर्नरन पेट छ थिकनिंग आसान थिकनिंग छ इसलिए आसान तिकेज तत्या तत्या छ आसान डिपॉजिट आसान गोमत सेलुलोज हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिक्लरन काइमा ये कोलन काइमा है दूसरा है सिक्लरन काइमा सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डेड टिश्यू है क्योंकि इसकी सेल्स में कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। रिमेंबर इट ऑलवेज सिक्लरन काइमा इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स उनके वाल्स बहुत ज़्यादा थिक होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं। सिक्लरन काइमा जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग इसकी सेल जो होती है लॉन्ग होती है नैरो होती है उनके सेल वाल्स जो होते हैं सेल वाल्स दे आर थिक बट रिमेंबर इट ऑलवेज दे आर लिग्निफाइड द सेल वाल्स आर हाईली लिग्निफाइड यू शुड हैव याद सिक्लरन काइमा टिश्यू हसा बनमुत लॉन्ग नैरो सेल नैरो सेलन यहिंद वाल्स ज्यादा थिक तो तुम लिग्निफाइड लिग्निफाइड मतलब गो तुम कंटेन कर लिग्निन द डिपॉजिशन ऑफ लिग्निन इज कॉमनली कॉल्ड एज लिग्निफिकेशन और जहां जहां पे एक प्लांट में लिग्निन होता है वो हॉटेस्ट पार्ट बन जाता है क्योंकि सारा मैकेनिकल सपोर्ट अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट इज प्रोवाइडेड बाई लिग्निन गो याद चुका सिक्लरन काइमा टिश्यू गो सू टिश्यू बनोमुत तिमन सेलन हम बजे लॉन्ग बे नैरो यहिंद वाल्स ज्यादा थिक आसान तो तिमन मजा ज्यादा लिग्निन आसान मगर सिक्लरन काइमेटस टिश्यू यूस हा डेड तिकाज अमचन सेलन मन प्रोटोप्लाज्म आसान कह कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स इट इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स यह बनोमुत डेड सेलन having no protoplasm unme koi protoplasm nahi hota hai the living content of the cell is called protoplasm the soul of the cell is called protoplasm you zoo ek cell chu asan tach man protoplasm yohi protoplasm chu absent asan sigleran kaima asmas tawai pe vach now dun yeman dead cells go sigleran kaima tissue hasa chu actually it is a dead tissue now obviously agar ye dead tissue chu to imsus kaam a sirf to sirf mechanical support provide karne mechanical support kya jaise provide karan because imsus walls cha asan lignified wo bahut zyada thick hote unme lignin hota hai। अब ये सिक्लरन काइमा टिश्यू हर किसी प्लांट में एग्जिस्ट होता है दो फॉर्म्स में एक होता है सिक्लरन काइमेटस फाइबर्स एंड द नेक्स्ट वन इज स्क्लेरॉइड्स ऑकर्स इन टू फॉर्म्स सिक्लरन काइमा टिश्यू ऑकर होता है दो फॉर्म्स में टू फॉर्म्स एज एक होता है इसमें फाइबर्स होते हैं सिक्लरन काइमेटस फाइबर्स जिनको आप कहोगे और दूसरा है स्क्लेरॉइड्स वो सिक्लरन काइमा टिश्यू जो एक प्लांट्स में एग्जिस्ट गसन दोन फॉर्म में अख हसा गई फाइबर्स ब्या गई स्क्लेरॉइड्स फाइबर्स हसा थिक वाल्ड या बेचान इलांगेटेड मगर यहिंद एंडस पॉइंटेड वो इस तरह से अगर आप देखोगे ये आपको दिमाग में रखना है यम हसा सिक्लरन काइमेटस फाइबर्स थिक वाल्ड ये थिक वाल्ड होते हैं क्योंकि इनमें भी लिग्निन होता है थिक वाल्ड होते हैं दे आर थिक वाल्ड थिक वाल्ड होते हैं पॉइंटेड एंडस होते हैं या यू कैन से टैपरिंग एंडस होते हैं पॉइंटेड एंडस इनके एंडस जो होते हैं वो होते हैं पॉइंटेड इनके एंडस पॉइंटेड होते हैं और ये इलांगेटेड होते हैं लेकिन और एक फीचर है इनमें एक ही नहीं होता है किसी भी पार्ट में जहाँ पे ये प्रेजेंट होगा प्लांट में वहाँ पे एक ही नहीं होता है दे डू नॉट आकर सिंगली बट दे आकर इन ग्रुप्स और क्लस्टर्स
बहुत सारे होते हैं एक साथ एग्जिस्ट गान सिकलरन काइमेटस फाइबर्स थिक वाल्ड पॉइंटेड एंडस तो बेसान इलांगेटेड मगर यम सिकलरन काइमेटस फाइबर्स आकर गसन इन क्लस्टर्स क्लस्टर्स मतलब को दे आकर इन ग्रुप्स इहंस काम छ सिर्फ तो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनच ये आपको दिमाग में रखना है गो सिकलरन काइमेटस फाइबर्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली थिक वाल्ड इलांगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स विच आकर इन क्लस्टर्स दे आकर इन क्लस्टर्स ये इनका ल्यूमेन होता है दिस इज देयर ल्यूमेन नाउ नेक्स्ट फीचर दैट इज सिक्लेराइड्स ये जो सिक्लेराइड्स होते हैं सिक्लेराइड्स इम छ आसन ओवल स्फेरिकल भी हो सकते हैं स्फेरिकल या यू कैन से ये होते हैं बोन शेप्ड जिनको आप ऑस्टियोसिक्लेराइड्स कहते हो बोन शेप्ड भी होते हैं बोन शेप्ड या एस्ट्रोसिक्लेराइड्स दैट मीन स्टार शेप्ड भी होती है स्टार शेप्ड ओवल भी होती है स्फेरिकल भी होती है बोन शेप्ड भी होती है स्टार शेप्ड भी होती है और उसके बाद ये सिलेंड्रिकल भी होती है सिलेंड्रिकल दीज आर आल्सो सिलेंड्रिकल लेकिन है क्या ये डेड सेल्स है दीज आर आल्सो डेड सेल्स और उसके बाद इनमें जो ल्यूमिन होता है अंदर से जो स्पेस होती है वो है नैरो दे आर हैविंग ए नैरो ल्यूमिन I will repeat it again. Sicklerides are oval, spherical, bone-shaped or star-shaped cells which are also cylindrical but they are dead cells. They are oval, spherical, bone-shaped, star-shaped, cylindrical, dead cells. But they are having a narrow lumen. लेकिन एक characteristic feature है इनका. They are characterized by the presence of pits. इनमें pits होते हैं. Sicklerides possess pits. Possess. इनमें pits होते हैं. They are characterized by the presence of pits. सिक्लेराइड्स गई तम सेल्स यम ओवल स्फेरिकल बोन शेप्ड स्टार शेप्ड सिलेंड्रिकल इलांगेटेड मगर यम डेड सेल्स यमन मजस अंदर कि स्पेस सचान नैरो मतलब दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ नैरो ल्यूमेन और इनके पास पिट्स होते हैं दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ पिट्स दे आर हैविंग पिट्स ये आपको दिमाग में रखना है लेट अस सपोज यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस तरह से These are pits actually. ये pits होते हैं and this is the lumen. This is lumen. अवे उनमें sicklerides इम छा आसन यमन हुन lumen चु narrow आसन and they are characterized by the presence of pits. होती कहाँ है sicklerides चु usually locate गसन अगर तो ये वुछो nut fruits जो होते हैं उनके valves जो होते हैं वहाँ पे होते हैं gritty in nature होते हैं location कहते हैं छी मासन इम कहते हैं छा आसन occurs in नट फ्रूट वाल्स या अगर आप देखोगे सीड कोट्स में भी होते हैं सीड कोट्स टेस्टा एंड टेगमेन जो होता है द सीड कोट्स आर टू टाइप्स वन इज टेस्टा सेकंड वन इज टेगमेन द आउटर मोस्ट सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा वाइल द इनर सीड कोट इज कॉल्ड टेगमेन उसमें भी होते हैं पल्पी फ्रूट्स जो होते हैं अगर आप देखोगे पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गावा इज देयर हमारे पास जो पल्पी फ्रूट्स होते हैं उसमें भी होता है पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक पियर में होते हैं या गावा में होते हैं सपोटा में होते हैं ये आपको दिमाग में रखना है यमन यमन जायन छ यम आसन सीड कोटन मज तम आसन लिग्यूमिनस प्लांटन हिंद सीड कोट्स कंटेन करान लिग्यूमिनस प्लांट्स के सीड कोट्स लिग्यूमिनेसी के या लिग्यूमिनस प्लांट्स यम लिग्यूमिनस प्लांट्स तिहदन सीड कोटन मजान सिक्लेराइड्स तो बेम अगर तुम वो जो है ये कॉफी अरबिका मतलब टी टी के लीव्स जो होते हैं उसमें भी होते हैं टी लीव्स ये आपको दिमाग में रहा गो सिक्लेराइड्स गई डेड सेल्स गम से सिलेंड्रिकल इलांगेटेड ओवल स्फेरिकल बोन शेप्ड या स्टार शेप्ड मगर इहुन ल्यूमिन हसा चु नैरो इमन मज हसा चु पिट्स प्रेजेंट आम हसा चु लोकेट यूजुअली गसन कत्या पल्प ऑफ फ्रूट्स में भी होते हैं या नट फ्रूट्स में जो वाल होता है उसमें भी होते हैं सीड कोट ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स वहाँ पे भी होते हैं टी प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं उनमें भी सिक्लेराइड्स होते हैं ये हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू
complex permanent tissue. مےٚ ووٚن اوترٕ تہِ تۄہہِ سِمپٕل ٹِشوٗ گوٚو سُہ ٹِشوٗ یُس آسہِ بَنیومُت سِملَر ٹایپٕس آف سیلَن ہُنٛد. البتہ کَمپٕلٮ۪کٕس پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ گوٚو سُہ ٹِشوٗ وِچ اِز کَمپوزٕڈ آف ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕس آف سیلٕز بَٹ آل آف دَ سیلٕز آر ایبٕل ٹُو کاڈِنیٹ وِتھ ایٖچ اَدَر اِن آرڈر ٹُو پٔرفارم اَسہِ سِمپٕل فَنٛگشَن. گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو کَمپٕلٮ۪کٕس ٹِشوٗ چھُ بَنیومُت ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕس آف سیلَن ہُنٛد, یِمَن ہُنٛد سٕٹرٛکچَر, سایز, شیپ ویپ ڈِفرَنٛٹ چھُ آسان, مگر تِم چھِ اٮ۪سَمبٕل گژھان اینڈ دے ؤرٕک ایز وَن یوٗنِٹ. گوٚو فَنٛگشَن ہُنٛد کہِ ایک ہی ہوتی ہے. کَمپٕلٮ۪کٕس پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ جو ہے کَمپوزٕڈ آف ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕس آف سیلٕز. It is composed of different types of cells. The tissue which is composed of different types of cells and all cells are able to and all cells work together as one unit. All cells work together as one unit. سُہ ٹِشوٗ یُس بَنیومُت آسہِ مُختٔلِف سیلَن ہُنٛد, یِمَن ہُنٛد سٹرٛکچَر, شیپ, سایز ڈِفرَنٛٹ آسہِ, مگر پَتہٕ کَرن ساروے سارے سیلٕز أکِس اَکھ سۭتۍ کاڈِنیٹ, کاڈِنیٹ کٔرِتھ کَرن تِم اَکھ سُپیسفِک فَنٛگشَن, تَتھ چھِ أسۍ وَنان کَمپٕلٮ۪کٕس پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ. سُہ ٹِشوٗ وِچ اِز کَمپوزٕڈ آف ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕس آف سیلٕز اینڈ آل دَ سیلٕز آر ایبٕل ٹُو ؤرٕک ٹُگیدَر, دے آر ایبٕل ٹُو کاڈِنیٹ وِتھ ایٖچ اَدَر, دے آر ایبٕل ٹُو کاپریٹ وِتھ ایٖچ اَدَر اِن آرڈَر ٹُو پٔرفارم اےٚ سُپیسفِک فَنٛگشَن. وی کین کال سَچ اےٚ ٹِشوٗ ایز کَمپٕلٮ۪کٕس پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ. پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا دَ سیل دَ پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ اِز کَمپوزٕڈ آف میچور سیلٕز اےٚ سیل دیٹ ہیز اٹینڈ اےٚ پٔرمِنَنٹ شیپ, سایز, فَنٛگشَن, دیٹ اِز کامنلی کالڈ ایز پٔرمِنَنٹ سیل اینڈ اےٚ ٹِشوٗ وِچ اِز پرٛوڈوٗسٕڈ فرٛام سچ سیلٕز اِز کامنلی کالڈ ایز پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ. ناو پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ ایک پٕلانٛٹ میں کَمپٕلٮ۪کٕس پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ ایٚگزِسٹ ہوتا ہے دو فارمَس میں, ایک ہوتا ہے زایلَم, دوسرا ہوتا ہے فلوئم. گوٚو کَمپٕلٮ۪کٕس پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ چھُ ایٚگزِسٹ گژھان دۄن فارمَن منٛز. فٔسٹ آف آل دیٹ اِز زایلَم. گۄڈنیُک اَتھ وَنو أسۍ زایلَم. اگر تُہۍ وٕچھو زایلَم چھُ اَکھ کَمپٕلٮ۪کٕس ٹِشوٗ یُس أکِس پٕلانٛٹَس منٛز چھُ لَگان ضوٚرَتھ فار کَنڈَکشَن آف سیپ. اِٹ اِز مینڈیٹری, اِٹ اِز رِکوایرڈ فار کَنڈَکشَن آف سیپ. یہِ مِنرَلٕز اور واٹَر کو کَنڈَکٹ کَرتا ہے فرٛام روٗٹٕس ٹُو سِٹَم اینڈ لیٖوٕز, ریسپانسِبٕل فار کَنڈَکشَن آف سیپ, فار کَنڈَکشَن آف سیپ فرٛام روٗٹٕس ٹُو سِٹَم اینڈ لیٖوٕز. کیونکہِ اس میں یوٗنی ڈایریکشنل فلو ہوتا ہے, زایلم میں یوٗنی ڈایریکشنل ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. یا فِزیولوجی میں پڑھو گے یوٗنی ڈایریکشنل ٹرانسپورٹ, اس میں یوٗنی ڈایریکشنل ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. اس کے باوجوٗد یہ اس کی پرٛیمری فنٛگشن ہے. پرٛیمری فنٛگشن آف زایلم اِز کنڈکشن آف سیپ فرام روٗٹٕس ٹُو سِٹَم اینڈ لیٖوٕز. سیکنڈری فنٛگشن اس کی کیا ہے, دیٹ اِز اِٹ پرٛووایڈٕز میکنِکل سپورٹ. یہ پرٛووایڈ کرتا ہے میکنِکل سپورٹ, اِٹ پرٛووایڈٕز میکنِکل سٹرنٛگٕتھ. میکنِکل سپورٹ یا میکنِکل سٹرنٛگٕتھ یَتھ أکِس پٕلانٛٹَس ضوٚرَتھ چھِ آسان, میکنِکل سٹرنٛگٕتھ پرٛووایڈ کَران وول چھُ زایلَم. اِٹ اِز ریسپانسِبٕل فار پرٛووایڈِنٛگ میکنِکل سپورٹ ٹُو اےٚ پٕلانٛٹ. یہِ آپ کو دِماغ میں رکھنا ہے, زایلَم اِز ایکچُؤلی اےٚ کَمپٕلٮ۪کٕس پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ وِچ اِز ریسپانسِبٕل فار کَنڈَکشَن آف سیپ. چوٗنٛکہِ زایلَم چھُ کَمپٕلٮ۪کٕس پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ, گوٚو اَتھ منٛز یِم سیلٕز آسن تِم چھِ ڈِفرَنٛٹ آسان, مگر سارے سیلٕز چھِ اَکٕے فَنٛگشَن کَران, دیٹ اِز کَنڈَکشَن آف سیپ. تَمہِ پَتہٕ اَمہِ بغٲر تہِ چھُ یہِ پرٛووایڈ کَران میکنِکل سپوٹ, مگر زایلَمَس منٛز یۄس موٗمٮ۪نٛٹ چھِ سُہ ہَسا چھِ یوٗنی ڈایریکشنَل. دیٹ اِز اِٹ آلویز دَ سیپ آلویز کَنڈَکٹٕس فرٛام روٗٹٕس ٹُو ہایَر پارٹٕس آف دَ پٕلانٛٹٕس, آر یوٗ کین سی فرٛام ڈاوُن وٲڈٕس ٹُو اَپ وٲڈٕس. ناو بیسِکلی اگر آپ دیکھو گے یا سٹرٛکچرلی دیکھو گے ایچ زایلَم اِز کَمپوزٕڈ آف فور ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕس آف سیلٕز. زایلَم چھُ بَنیومُت ژورَن ٹایپٕس آف سیلَن ہُنٛد. اگر أسۍ وٕچھو زایلَم اِز کَمپوزٕڈ آف فور ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕس آف سیلٕز. ٹرٛیکیٖڈٕس اس میں ہوتی ہے, اس میں ویسلٕز ہوتی ہے, اس میں فایبٲرٕس ہوتے ہیں اینڈ اِٹ آلسو کَنٹینٕز پیرَنکایما. اگر تُہۍ وٕچھو ژۄشوٲنی سیلَن ہُنٛد سٹرٛکچَر چھُ ڈِفرَنٛٹ, تِکیازِ وی آر ٹاکِنٛگ اَباؤُٹ کَمپٕلٮ۪کٕس پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ. یہِ آپ کو دِماغ میں رکھنا ہے, لیکِن یہاں پے آپ کو یاد رکھنا ہے یہِ جو زایلَم ہے, زایلَم چھُ بَنیومُت ژورَن ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕس آف سیلَن ہُنٛد, مگر ژۄشوٲنی سیلَن ہٕنٛز فَنٛگشَن ہَسا چھِ اَکٕے, دیٹ اِز کَنڈَکشَن آف سیپ. تَوَے پیوٚو أمِس ناو کَمپٕلٮ۪کٕس پٔرمِنَنٹ ٹِشوٗ. اگر تُہۍ وٕچھِو یِم یِم ٹرٛیکیٖڈٕس چھِ آسان, یِم چھِ آسان اِلانٛگیٹِڈ, نَتہٕ چھِ آسان ٹیوٗب لایِک سیلٕز, مگر یِہِنٛدۍ والٕز تہِ چھِ تھِک آسان, بیٚیہِ چھِ آسان لِگنِفایڈ. یہِ آپ کو دِماغ میں رکھنا ہے. اور اِن کے اینڈَس ٹیپرِنٛگ ہوتے ہیں. ٹرٛیکیٖڈٕس جو ہوتے ہیں, اگر آپ دیکھو کہِ میں ایک بناتا ہوں یہاں پے, یہ ٹرٛیکیٖڈ ہے, اس کے اگر آپ دیکھو گے یہ الانگیٹڈ سیلز ہوتی ہے, ٹریکیڈس, دیز آر الانگیٹڈ سیلز, الانگیٹڈ سیلز. ان کے والز جو ہوتے ہیں بہت زیادہ تھک ہوتے ہیں,
एंड लिग्निफाइड, दे पोजेस लिग्निन, लिग्निफाइड होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनर वॉल्स जो होते हैं, इनर वॉल्स बियर करते हैं थिकनिंग्स विच वेरी इन फॉर्म। इनर वॉल्स में थिकनिंग्स होती है। इनर सेल वॉल्स जो होते हैं, इनर वॉल्स जो होते हैं पोजेस थिकनिंग्स, इनर वॉल्स में थिकनिंग्स होती है। लाइक अगर तुम वो इन मन थिकनिंग्स आसान रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क टाइप या वेब लाइक, या आसान स्पाइरल स्प्रिंग शेप्ड थिकनिंग्स, या पिटेड पोर लाइक होता है, पिट लाइक होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। यम ट्रैकिड्स अगर तुम वो इम सेल्स तसान डेड तिकन मन प्रोटोप्लाज्म आसान कह। ट्रैकिड्स जो है दीज आर डेड सेल्स विद नो प्रोटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म, इन मन प्रोटोप्लाज्म आसान कह। लिविंग कॉन्टेंट ऑफ द सेल इज प्रोटोप्लाज्म, ये ना प्रोटोप्लाज्म आई वी कैन कॉल सच ए सेल एज डेड सेल। ट्रैकिड्स इलांगेटेड सेल्स, इन वॉल्स ज्यादा थिक आसान, बे तिमन मन लिग्निन आसान, युत यो ना कह बल्कि अंदर की वॉल्स आसान तिमन मन थिकनिंग्स आसान, सह वेरी करान, सह हे ऐसी नेटवर्क लाइक, सह हे ऐसी स्पाइरल मतलब स्प्रिंग शेप्ड, या हे ऐसी पिटेड। मगर ध्यान थोड़ा ट्रैकिडन मन आसान ट्रैकिड्स डेड सेल्स आसान, मगर इन मन प्रोटोप्लाज्म आसान कह। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताया, इन सेल्स के एंड वॉल्स जो होते हैं टैपोड, टैपोड एंड्स, इनके एंड्स जो होते हैं टैपोड होते हैं, टैपोड एंड्स, दे आर हैविंग टैपोड एंड्स। ट्रैकिड्स गई इलांगेटेड सेल्स, इन हसा ज्यादा थिक वॉल्स आसान, एंड तम वॉल्स हसा बनेम लिग्निन, इन मन हसा इनर वॉल्स पोजेस करान थिकनिंग्स। सह थिकनिंग हेत नेटवर्क लाइक मतलब रेटिकुलेट, ये पिटेड हो सकती है, पोर लाइक हो सकती है, पिटेड, या आप देखोगे ये स्पाइरल भी हो सकती है, मतलब स्प्रिंग शेप्ड स्पाइरल। अगर भी ये तथा आग बनाओ कि ये तथा विशेष सर, ये आपको दिमाग में रखना है, इट इज नेटवर्क लाइक थिकनिंग, अंदरम वालों में थिकनिंग्स आसान। वह थोन याद ट्रैकिड्स जु अगर तुम वो जिम्नोस्पर्मन मे मेन कंडक्शन ग्रैकिडो सिकाज तिमन मे वेसल्स एबसेंट। ट्रैकिड्स इज एक्चुअली द मेन कंडक्टिव टिश्यू या कंडक्टिंग सेल इन जिम्नोस्पर्म्स, ये आप इंपॉर्टेंट याद रखो ये फीचर। ट्रैकिड्स आर कन्फाइंड टू जिम्नो स्पर्म्स फॉर कंडक्शन, कंडक्शन वहाँ पे करने के लिए ट्रैकिड्स रेस्पॉन्सिबल है। एंड द वुड विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रैकिड्स इज कॉमनली कॉल्ड एज नॉन पोरस वुड। उसके बाद है वेसल्स। अगर आप देखोगे ये वेसल्स क्या होती है, एक वेसल मल्टीसेलुलर होता है, गॉट अ चीज इन टर्म फिगर कर थोड़ा सा डिस्कस आप मुझे कि वेसल्स क्या चाह सकते हैं। इन वेसल्स चाह सकते, ये जो वेसल्स होते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ईच वेसल इज मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर होता है ये स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप देखोगे ये वेसल्स जो होते हैं सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूब लाइक, कंपोज्ड ऑफ सेवरल सेल्स कॉल्ड, उनको वेसल मेंबर्स कहा जाता है, इस सारे को हम कह सकते हैं वेसल, दिस इज कॉल्ड एज वेसल, बट वन इज कॉल्ड वेसल मेंबर, एक को कहते हैं वेसल मेंबर, सारे स्ट्रक्चर को वेसल कहते हैं। आप देखो आप ये सिलेंड्रिकल है, ट्यूब लाइक होते हैं, एंड it is composed of several vessel members, they are connected end to end, aap dekho they are connected end to end, and remember it always, ye vessel member che paan vai connect kare with the help of perforation, isko perforation kehte hain, perforation, so that means in a vessel the vessel members are associated with each other by means of perforations। ek vessel mein, in a vessel, kis vessel mein, in a vessel kama the vessel members are connected through perforations,
परफोरेशन की वजह से ये कनेक्ट होते हैं. वेसल्स आर आल्सो डेड सेल्स, दे आर डेड सेल्स, इनमें नो प्रोटोप्लाज्म, दे डू नॉट कंटेन प्रोटोप्लाज्म. वेसल्स तो आसान डेड सेल्स मगर यमन मज तो प्रोटोप्लाज्म आसान कहीं. तमें पत थावन याद यमन वेसल्स मज यस कैविटी आसान वाइड, ये सेंट्रल कैविटी होती है. लेकिन अगर आप देखोगे इनके वाल्व जो होते हैं बहुत ज्यादा थिक होते हैं क्योंकि इसमें लिगनिन होता है. ये वाल्व, दीज वाल्व आर वेरी थिक, ये थिक होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है लिगनिन. और वेसलन हुई वाल्व, वेसलन से कंटेन पोजेस करन सेंट्रल ल्यूमेन या वाइड ल्यूमेन छु इमन मज आसान, तो यही वाल्व से वारिया ज्यादा थिक आसान. They possess a central lumen, मतलब कि ये central lumen, they possess a central lumen, इनमें central lumen होता है. lumen मतलब कि cavity, space आसन, centers में जो space आसन, तब पर यही walls जो thick आसन, their walls are highly thick, बहुत ज़्यादा thick होते हैं. एंड लिग्निफाइड होता है, मतलब तिमन मज लिग्निन आसान, ये आपको दिमाग में रखना है. मानो काटन मज तो डाइकाटन मज वेसलन मज फरक, मानो डाइकाटन मज वेसल्स आसान एंग्यूलर राउंडेड एंड मानो काटन मज आसान एंग्यूलर. डाइकाटन मज आसान राउंडेड वेसल्स वाइल एज मानो काटन मज आसान एंग्यूलर. मानो काट्स में अगर आप देखोगे इन मानो काट्स जो ये वेसल्स होती है, vessels are rounded, while as dicots में जो vessels होती है they are angular. The vessels are rounded in monocots but angular in dicots. Vessels क्या चाह सन? Vessels चाह आँख multicellular structure. Yes, बनियामस चाह सन वारियाँ लक्षण लक्षण सेलन हैं कि मंच वाला vessel members ये connect चाह सन करें end to end connection चुकी कि मंच पानवाई गासन डोट भालो पाह perforation है तो ये मचे cylindrical आसन यहाँ चाह सन cylindrical तो tube like cells चाह सन इन वाले से वारियाँ ज़्यादा thick आसन. एंड सो वाल यूजली कंटेन करान लिग्निन. तमें पत प्रेत कह वेसल डेड सेल तेज अमिस मन प्रोटोप्लाज्म लबान कह वेसलन मन सेंटरस मज ल्यूमिन आसान, यह ओपन आसान ल्यूमिन अपरी एक्चुअली एंड वाटर गसान ट्रांसपोर्ट. तमें पत मानो काटन मजम वेसल्स आसान राउंडेड वाइल एज डाइकाटन मजान एंग्यूलर. नाउ द थर्ड वन, फाइबर्स. थर्ड वन इज फाइबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम याद थे पे खुद दे आर सिकलरन काइमेटस इन नेचर, ना सिकलरन काइमेटस टिश्यू, दे आर सिकलरन काइमेटस. सिकलरन काइमेटस पे पान याद हम इलांगेटेड आसान मगर आसान डेड, ये डेड होते हैं. और उसके बाद इनमें ये सेप्टेट हो सकते हैं या एसेप्टेट होते हैं, दे आर आइदर सेप्टेट और एसेप्टेट. काम क्या है इनका? सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट. ये फाइबर्स प्रेजेंट छ आसन अथ जाइलमस मज, ये फाइबर्स हसा छ आसन, ये हसा छ आसन यूजुअली डेड, मतलब ये सिकलरन काइमेटस आसन, ये हसा छ डेड आसन, ये हेकन ऐसे सेप्टेट नथ हेकन ऐसे एसेप्टेट, तो ये प्रोवाइड करान मैकेनिकल सपोर्ट. ब्याह अगर तुम याद आसो अगर तुम एन सी आर टी आसो पढ़ा तथा लिखित इन मैं ओब्लिटरेटेड सेंटर ल्यूमेन, दे आर हैविंग ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, ये आपको दिमाग में रखना है. सिकलरन काइमेटस इन नेचर, इनके अगर आप देखोगे इनके वाल्स, अगर सिकलरन काइमेटस है तो ऑब्वियसली इनके वाल्स बहुत ज्यादा थिक होंगे, लिग्निन होगा वहां पे, डेड सेल्स होते हैं, ये सेप्टेट हो सकते हैं, सेप्टेट हो सकते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट. और इनका ल्यूमेन जो होता है सेंट्रल ल्यूमेन जो होता है ओब्लिटरेटेड इरेगुलर होता है. नाउ द लास्ट वन इज पैरेन्काइमा, इट इज द ओनली लिविंग टिश्यू इन जाइलम, लिविंग सेल जाइलम पैरेन्काइमा जिसको आप कहते हो, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू, इट इज लिविंग टिश्यू. और इनके वाल्व जो होते हैं सेल वाल्व जो होते हैं थिन होते हैं,
सेल वॉल्स कैसे होते हैं? थिन, एक तो वो थिन होते हैं एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, उनमें सेलुलोज होता है। इनका काम क्या है? लेटरल कंडक्शन और रेडियल कंडक्शन। लेटरल और रेडियल, साइडन आब दिन अकिस प्लांटस मज साइडन आब दिन खातिर यम पार्टस लगन छ जरूरत, तथ वन जाइलम पैरेन्काइमा। लेटरल और रेडियल कंडक्शन, वो लेटरल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से कंडक्ट कर वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस। अब मेन फंक्शन क्या है इसकी, अगर आप देखोगे स्टोरेज है, स्टोरेज ये स्टोर करता है स्टार्च को। रिमेंबर इट ऑलवेज, जाइलम पैरेन्काइमा इज मेट फॉर स्टोरेज, इट इज मेट फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, या यू कैन से ये फैट्स भी स्टोर करता है, फैट्स भी स्टोर करता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज केमिकल्स, आरोमेटिक इन नेचर लाइक टैनिन्स, ये टैनिन्स भी सेक्रेट करते हैं। पैरेन्काइमेटस, जाइलम पैरेन्काइमा चु लिविंग टिश्यू गई, यह हा बनमुत तिमन सेलन हिंद वालस थिन एंड बनमित सेलुलोज। तमें पे यह हाँ लगान अकिस प्लांटस मज लेटरल कंडक्शन खातर या रेडियल कंडक्शन साइडस निन खातर। तो अम सम स्टोरेज, यह फूड करान स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ फैट्स एंड केमिकल्स तो स्टोर करान या सेक्रेट करान, दैट इज कॉल्ड टैनिन। ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद अगर आप देखोगे एक प्लांट में द मोस्ट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप याद रखोगे आगे जाके नीट में ये बहुत काम आएगा, हमारे पास एक प्लांट में जाइलम जो होता है दो किस्म का होता है, या यू कैन से मोर अप्रोप्रिएटली वी कैन से प्राइमरी जाइलम जो होता है, सेकेंडरी जाइलम हम सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे, जो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, वुड, द वुड ऑफ ए प्लांट इज कॉमनली कॉल्ड एज सेकेंडरी जाइलम एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाई लेटरल लेटरल मेरिस्टम। द मेरिस्टम विच इज प्रोड्यूस्ड एट द एट लेटर स्टेज ऑफ ए प्लांट, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है सेकेंडरी टिश्यूज को बनाना। वहाँ पर मैंने बताया था फेस्कुलर कैम्बियम होता है, कॉर्क कैम्बियम होता है या वेस्कुलर कैम्बियम होता है। नाउ सी, अब हमारे पास प्राइमरी जाइलम का काम होता है कंडक्शन। नाउ प्राइमरी जाइलम एक प्लांट में अगर आप देखोगे दो फॉर्म्स में होता है, याद उठाओ, एक होता है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड द नेक्स्ट वन इज मेटाजाइलम। यू कैन यू ख्याल था मेटाजाइलम एंड प्राइमरी जाइलम। प्रोटोजाइलम क्या, वो याद गए था, द फर्स्ट फॉर्मर जाइलम इज कॉमनली कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, फर्स्ट फॉर्मर जाइलम, फर्स्ट फॉर्मर जाइलम, सबसे पहला जाइलम जो एक प्लांट में प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। एंड द लेटर फॉर्मर जो लास्ट में एक जाइलम प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी जाइलम का वो पार्ट जो लास्ट में बनता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं, द लेटर फॉर्मर जाइलम, लेटर फॉर्मर जाइलम। या आगे जाके मैं बताऊंगा इसके बारे में, द लेटर फॉर्मर जाइलम इज कॉमनली कॉल्ड एज मेटाजाइलम। इसमें अगर आप देखोगे प्रोटोजाइलम में वेसल्स जो होती है नैरो होती है और यहाँ पे वाइड होती है, ये मैं अलग से आपको बताऊंगा, दैट समथिंग डिफरेंट। अभी आप याद रखो हर किसी प्लांट में प्राइमरी जाइलम जो होता है इसका काम सिर्फ एक ही होता है, दैट इज कंडक्शन ऑफ सैप। मगर प्राइमरी जाइलम जो एकिस प्लांट्स में एग्जिस्ट गसन दोन फॉर्मों में, एक गो प्रोटोजाइलम ब्याक गो मेटाजाइलम। यू सारी खुद गोटे थे किस प्लांट्स में जाइलम प्रोड्यूस गस तथ वन प्रोटोजाइलम एंड यू सारी खुद लास्टस प्रोड्यूस जाइलम गस तमिस वन मेटाजाइलम। ध्यान छु थावन ये प्राइमरी जाइलम है कैसे प्लांट्स में एंड आर्क, एंड आर्क यह है कैसे एक्स आर्क, ये तो चु याद थावन एंड आर्क चु आसन ये सिटमस मस एंड एक्स आर्क चु आसन रूटस मस। मगर ध्यान चु थावन एंड आर्क मतलब क्या गो तो एक्स आर्क मतलब क्या गो, एंड आर्क मतलब क्या गो तो एक्स आर्क मतलब क्या गो, सो वन भी ये थी गोड वन भी एंड आर्क गो क्या, एंड आर्क, एंड आर्क गो सो प्राइमरी जाइलम यथ मज प्रोटोजाइलम आसे सेंटरस कुन मतलब पिथ कुन पिथ, इट इज व्हेन द व्हेन द वो प्राइमरी जाइलम इन विच द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर व्हाइल एज मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी बाउंड्री की तरह। सो प्लांट यमिस मज या यू कैन से सो प्राइमरी जाइलम, लेट अस सपोज बुदा पर ये छ बाउंड्री एंड दिस इज सेंटर, ये इस तरह से है। Let us suppose मैं मानता हूं ये मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम एंड दिस इज प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, दिस प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। अगर आप देखोगे ये प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर व्हाइल एज मेटाजाइलम जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज मेटाजाइलम। इफ दिस मेटाजाइलम इज लोकेटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी बाउंड्री
While as protoxylem is lying towards the center, we can call such a xylem primary xylem as endarch. Go endarch go so xylem primary xylem. Yet was protoxylem as center as kun, while as metaxylem as towards the boundary. Yam periphery. We can call such a xylem as endarch. Primary xylem go so endarch xylem. Yet was protoxylem as center as kun. वो इसमें प्रोटोजाइलम जो होता है प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स ये सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो इसमें होता है दैट लाइज टुवर्ड्स या सच आसन पेरिफ्री को पेरिफ्री मतलब गई बाउंड्री पेरिफ्री मतलब गई बाउंड्री को Protoxylem lies towards center, while as metaxylem lies towards periphery. We can call such a xylem as endarch. ये होता है stems में, stem. While as ब्याग एक condition, अगर एक इस plant असमस primary xylem असमस protoxylem was towards the periphery, and look opposite. सीधे इसका opposite. मतलब यहाँ पे हम ले लेंगे अब protoxylem है ये. It is protoxylem, and this is metaxylem. Protoxylem. And this is metaxylem. Go center as kun yel metaxylem as and protoxylem as towards the periphery. Center matlab bhai pith. Sthavni yaar. Go agar ek protoxylem as towards the periphery magar metaxylem as towards the center touch one x arc. X arc primary so primary xylem yathmas metaxylem yus chu. Metaxylem as towards center and protoxylem as towards periphery it is xylem as is mana x arc as man metaxylem as center as kun protoxylem as on periphery kun common example agar as yatha man no that is wrong ye roots mein hota hai ye aapko dimag mein rakhna hai that is enough for the day And tomorrow, inshallah, we will go for that is phloem. Chalo, wish you good luck. Khuda hafiz.